नमस्कार, आज के इस लेक्चर में बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट से पहले हम पढ़ेंगे इसमें एक डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज दैट प्रोसेस इन विच प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। आपने इससे पहले फोटोसिंथेसिस बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज हम इसको बिल्कुल आपके सामने 3D एनिमेशन के साथ शो करने वाले हैं, जहां पर आप समझेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन, वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड सनलाइट का क्या रोल होता है, कि भाई ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए आज आप 3D एनिमेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मैंने अभी आपको बताया। अब इससे आगे देखिए, मैं आपको एक 3D में दिखाना चाहता हूँ, छोटा सा एक कुछ एनिमेशन है। यहाँ पर एक ग्रीन प्लांट है आपके सामने, ये ग्रीन प्लांट्स है, यहाँ पर सनलाइट है, ठीक है। ये देखिए आगे, ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टेक इन, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ली, ठीक है। ये कहां से? लीव्स के थ्रू एंटर, और यहां पे वाटर मॉलिक्यूल कहां? रूट के थ्रू एंटर कर रहा है, ठीक है, और कन्वर्ट इट इनटू कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, ठीक है। स्टोर होता है, जो ग्लूकोज स्टोर होता है प्लांट में वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। भाई जो ये स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज सब एक किसकी फॉर्म है? ये कार्बोहाइड्रेट की ही फॉर्म है, बस फर्क इतना है स्टोरेज साइट अलग और नाम अलग। जैसे हम बात करें प्लांट में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च। वहीं यही ग्लूकोज जब एनिमल बॉडी में स्टोर होता है तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। क्लियर है? तो यहां पर हमने ये चीज देखी आपके सामने। अब यहां पर क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री हो गई, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री हो गई, और यहाँ पर कन्वर्ट किसमें हो गया? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इस चीज को हम डीपली देखते हैं, स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं, बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। देखिए स्टार्च, ये भी बताया था मैंने स्टार्च। आगे देखिए प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। देखिए ये आपके पास प्लांट है, अब इस पर एक सनलाइट एक्सपोज होगी, सनलाइट एक्सपोज होने के बाद ये देखिए आप ये देख पा रहे हैं इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी थ्रू द लीव्स एंड वाटर मॉलिक्यूल जो आएंगे, जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कहां से होगा? वो रूट के थ्रू होगा, है ना। अब आगे देखिए, अब ये जो मैं छोटा सा पोर्शन है हमारे पास, अब इसको हम जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। देखिए अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री हो रही है, अब देखिए कहां पे एंट्री हो रही है, फर्दर इसको हम जूम कर लेते हैं, इसको हम और जूम कर लेते हैं। आपने एक चीज सुना होगा, स्ट्रोमेटल माइक्रोपोर सुने होंगे, जिनको बोलते हैं हम पोर, इसका नाम है स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा एक माइक्रोस्कोपिकल पोर होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज और वाटर ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये आपको स्टोमेटा दिखाई दे रहा है, ये ओपन है और यहां से CO2 एंटर हो रही है। नेक्स्ट देखिए, CO2 एंटर होने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल आया रूट के थ्रू एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप जो देख रहे हैं ये हम एक लीव्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हमारे पास एक लीव है, ये देखिए ये हमारे पास ये लीफ है, हमने लीफ का एक आपको जूम करके स्ट्रक्चर दिखाया है, और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो आप ये देख रहे हैं ये है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल
क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो क्या करता है, जो फोटो जो सनलाइट है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यहां देखिए वाटर मॉलिक्यूल, सनलाइट का क्या रोल है पहले ये देख लीजिए आप। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गया, पहले मैं इसको एग्जिट कर देता हूं। यहां पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल आया, कार्बन डाइऑक्साइड आई, कहां? ये लीफ के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है सारा, ये क्या है, पूरी लीफ है ये। देखिए आगे नेक्स्ट क्या है, सनलाइट आई, देखिए यहां पे ये सन है, सन से लाइट आई और सनलाइट ने क्या किया, सनलाइट है ये वाटर मॉलिक्यूल जो आपको दिख रहा है H2O, अब इसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। यहां पर देखिए ब्रेक डाउन किस में हुआ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन होगा। अब ये फर्दर क्या होगा, ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो जाएगी, एटीपी रिलीज, एटीपी फॉर्मेशन के बाद ये यहां से रिलीज हो जाएगी। रिलीज होने के बाद जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है वो कहां, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो गए, ये प्रक्रिया कहां हो रही है सारी, ये क्लोरोफिल के अंदर हो रही है। ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट, देखिए यहां पे अटैच हो गया। अब अटैच होने के बाद आप जानते हैं C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला होता है, C6H12O6, ये होता है हमारा ग्लूकोज, C6H12O6, ये होता है हमारा ग्लूकोज। लेकिन यही तक कहानी नहीं, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं और बनने के बाद ये क्या होते हैं, एन ग्लूकोज हम इसको लिख देते हैं। एन ग्लूकोज का मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ ग्लूकोज, क्या होता है, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च किसकी फॉर्म है, ग्लूकोज की फॉर्म है। क्लियर है, अब आगे देखिए, आगे देखिए ग्लूकोज बन गया है यहां पे। अब यहां ग्लूकोज बनने के साथ साथ जब आप देखते हैं कि इक्वेशन देखते हैं, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन मैं दिखाता हूं आपको, भाई वाटर का इस्तेमाल हुआ, यहां पे देखिए छोटी सी इक्वेशन देख लेते हैं हम, क्या क्या इस्तेमाल किया फोटोसिंथेसिस में, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हुआ, प्लस वाटर का इस्तेमाल हुआ और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल सनलाइट क्या फॉर्म होगा, C6H12O6 प्लस क्या रिलीज करते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। क्लियर है ये, एंड H2O वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है, तो ये हमारी क्या है, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है। फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में यही होता है। ठीक है, आगे देखिए हमारा ग्लूकोज बन गया है। ठीक है, रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, अब देखिए यहां पे सेम यही है, CO2 प्लस H2O यानी वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है, क्या बना हमारा, ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन। क्लियर, ये सभी आप जानते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट का, क्या रिलीज करते हैं, कार्बन, ओ सॉरी ऑक्सीजन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये सभी हमारा क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ। आगे देखिए, ये हमारा डेजर्ट प्लांट के लिए, डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, ये नाइट में क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद डे में जब सनलाइट का एक्सपोजर होता है तो यही ब्रेकडाउन होने के बाद ये किसमें एब्जॉर्ब, किसमें कन्वर्ट होते हैं, देखिए यहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, देखिए ये क्या सनलाइट ले रहे हैं, सॉरी CO2 ले रहे हैं। देखिए एक एक प्रोसेस आपको 3D एनिमेशन के साथ दिखाया जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए CO2 एंड कन्वर्ट इट इनटू, नाइट में तो कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, अब ये कन्वर्ट होगी किसमें, जब नाइट में, सॉरी जब डे में सनलाइट का एक्सपोजर होगा, और एक्सपोजर होने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। देन ड्यूरिंग डे टाइम द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल एंड कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। बस आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। थैंक यू।